नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक बड़ा ऐलान होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जहाँ पर सीएम गहलोत संग हो रही थी तगड़ी भिड़ंत, सचिन पायलट के बीच मनमुटाव चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए, जहां यहां पर राहुल गांधी का नाम सुझाव में दिया था सीएम अशोक गहलोत ने, तो वहीं पर प्रियंका गांधी का नाम सुझाव में दिया था सचिन पायलट ने कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन अब अपनी ही जुबान से यहाँ पर भटकते नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। दरअसल इंटरव्यू के दौरान वो कहते नजर आए कि राहुल गांधी नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, जिससे लग रहा है कि अब सोनिया गांधी बड़ा ऐलान करने वाली है। और राहुल का भव्य स्वागत उदयपुर में इस वजह से ही हुआ था क्योंकि अब यहां पर कांग्रेस में नया प्रदेश अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी को ही ये पद से नवाजा जाने वाला है, जिसकी यहां पर पुष्टि खुद सचिन पायलट करते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से पलटते नजर आए हैं, जहां पर वो प्रियंका गांधी को नॉमिनेट कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का नाम लेना ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की ठानी है। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।